हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीएमडी से रिलेटेड और सारी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सीएमडी की हेल्प से आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर कैसे आप कोई भी परफॉर्मेंस कैसे उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ और रिलेटेड सीएमडी से रिलेटेड आपको वीडियो इसमें आपको ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो आपको सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ से आपको सीएमडी को ओपन करना है, यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे, फिर यहाँ से ओके या फिर इंटर क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हम आपको सीएमडी के कुछ कलर्स से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको इसका देखिए, यहाँ से आपको इसका कलर्स चेंज करना है, तो कलर्स और सीएफ पे क्लिक करेंगे। तो उस कमांड प्रेस करने के देखिए, यहाँ पे कमांड को मैंने प्रेस किया तो यहाँ से जो कमांड का जो कलर है वो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद यहाँ पे हम कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर व्हाट बी, देखिए यहाँ पे जो कलर है वो ब्लू हो गया। फिर यहाँ से कोई और कलर चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बी ए करना होगा, तो यहाँ पे जो इसका कलर है वो कुछ और कलर चूज हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो सी एल एस यहाँ पे कमांड होता है वो क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, जो आपको पता ही होगा। फिर कलर सी एफ जो होता है वो आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आर जी बी यूज कर सकते हैं, यहाँ से 3 कंपोनेंट होता है, तो आप यहाँ से इसका जो कलर्स है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम कोई और कलर देना चाहते हैं तो आपको कलर चूज करना है और कलर B1 करना है, फिर यहाँ से इंटर कर देना है। तो इसका जो कलर्स है वो ब्लू हो गया, देखिए इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लू हो गया। तो ये तो हो गया आपको सीएमडी से कैसे आप किसी भी कमांड को प्रेस करेंगे तो आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप कोई और किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देखिए, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप इसके कलर्स को जो है अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर आपको चूज करके बताते हैं। यहाँ पे स्क्रीन टेक्स्ट जो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट शो हो रहा है, आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लैक कर दीजिए, हमने यहाँ से ब्लैक किया। और इसके बाद से यहाँ पे जो इसका जो लेआउट है, इसका बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज करने के लिए यहाँ से आपको स्क्रीन बैकग्राउंड करना होगा। फिर यहाँ से जो भी कलर आप यहाँ से देना चाहते हैं, कोई भी कलर आप जो देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हैं। हमने यहाँ से येलो किया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए जो इसका कलर्स है वो चेंज हो गया। तो आप उस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर के भी इसके कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो कमांड प्रेस करके भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम कोई और कलर देना चाहते हैं, कलर 3C यहाँ पे प्रेस किया तो इसका जो कलर्स है वो डार्क हो गया, काफ़ी डार्क हो गया। तो यहाँ से AC क्लिक करते हैं तो इसका जो कलर्स है वो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो जो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आपको RGB में यहाँ से आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ इसका जो लेटेस्ट जो इसका ट्रिक्स है वो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।